Dear students of class 9, as you know, nowadays we are going to learn about unit 2, that is tissues, and today we are going to throw light on the simple tissues, simple plant tissues. These tissues are of two types, meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues are the cells which are in continuous state of division. These cells are localized in certain regions. These cells may be spherical, oval, polygonal or rectangular in shape. These tissues contain few vacuoles or no vacuoles at all, which we learned yesterday. Now we will know about the occurrence of these tissues, meristematic tissues. These are the growth tissues and are found in those regions of the plant that grow. इसका मतलब यह है कि जो जो प्लांट का पार्ट है जहाँ पर ग्रोथ होती है वहाँ ये meristematic tissues पाई जाती हैं, like the root tips and the shoot tips. Now on what basis meristematic tissues are divided. जो ये meristematic tissues हैं, अगर हम इनको देखेंगे तो इनके तीन अक्साम हैं. उनका नाम है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम और तीसरा लेटरल मेरिस्टम. जो ये एपिकल मेरिस्टम है ये ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है? दिस मेरिस्टम इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. जो स्टेम्स और रूट्स होते हैं उनके जो लास्ट वाले टिप्स जो होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं. दे इनक्रीज लेंथ ऑफ द स्टेम और द रूट. जो स्टेम उसकी लेंथ बढ़ाते हैं या जो रूट है उसकी भी लेंथ बढ़ाते हैं, इनकी ये काम है. दे आर नोन एज एपिकल मेरिस्टम. नाउ लेटरल मेरिस्टम ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मेरिस्टम इट लाइज ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम एंड रूट. जो रूट होता है या जो स्टेम होता है इनके जो साइड्स होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं. दे हेल्प इन इंक्रीजिंग दियर डायमीटर. इनकी काम यह है कि ये स्टेम की या रूट का जो डायमीटर है उसको बढ़ाएंगे, उसकी मोटाई को बढ़ाएंगे. एंड ऑल्सो हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ. जो दूसरी ग्रोथ वहाँ से होती है शूट की या स्टेम की या रूट की, उसको भी ये मदद करते हैं. नंबर तीन, जो इंटरकैलरी कहा जाता है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये मेरिस्टम इट लाइज बिलो द बेस ऑफ इंटर नोड्स ऑफ स्टेम ऑफ ग्रासेस. जो ग्रासेस होते हैं उनके जो नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, जो इंटर नोड्स होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम. इनकी काम क्या है? इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन. जो ऑर्गन होता है इसकी ये लेंथ को बढ़ाते हैं. नाउ वी विल नो अबाउट दीज सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज. जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये क्या होते हैं? दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स दैट हैव अटेंड देयर डेफिनेट फॉर्म एंड साइज एंड हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिविजन. ये वो टिश्यूज होते हैं जिन्होंने अपनी साइज, जिन्होंने अपनी फॉर्म शक्ल ये अब अचीव की है, अब उन्हें कोई बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसके अलावा इनका जो पावर ऑफ डिवीजन है यानी डिवाइड होने की जो सलाहियत है वो ख़त्म होती चली जाती है. दीज सेल्स आर लिविंग और डेड. जो ये सेल्स हैं ये जिंदा भी हो सकते हैं या ये डेड भी हो सकते हैं. इसके अलावा ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ सेल्स परमानेंट टिश्यूज और ऑफ टू टाइप्स. जो ये परमानेंट टिश्यूज हम देखते हैं, हमने पढ़ा है, इनके दो अक्साम हैं.
एक हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये क्या है, दीज आर कंपोज ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। ये उन सेल्स का बना हुआ है ये टिश्यू जिनकी स्ट्रक्चर और जिनकी फंक्शन एक जैसी है, यानी जिनकी शक्ल या जिनकी काम एक जैसी है, उनको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल्स सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स। अगर हम इनको देखेंगे कि इनकी नेचर क्या है, इनकी खासियत क्या है, उसकी बुनियाद पर इसके तीन अक्साम हैं। नंबर एक पैरेन्काइमा, नंबर टू कोलेन्काइमा एंड नंबर थ्री स्क्लेरेन्काइमा। नाउ व्हाट इज कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और इसके अक्साम। दीज टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। इसमें जो सेल्स हैं ये एक से ज्यादा किस्म के हैं। एंड ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। इनकी जो काम है ये एक ही काम अंजाम देते हैं, जो कि सेल्स के जो अकसाम वो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन काम जो है वो एक ही है। इनकी काम क्या है, दे ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल सॉल्ट्स एंड फूड मटीरियल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उनकी काम यह है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं पानी मिनरल सॉल्ट्स और गुजाई अजनास एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं प्लांट में। इनके भी दो किस्म हैं, क्या है, नंबर एक जाइलम और वुड एंड नंबर टू फिलोइम और बास्ट। दीज टू आर कलेक्टिवली नोन एज द वेस्कुलर टिश्यूज। दे आर मेड अप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। होप यू हैव गॉट दिस लेसन। वी विल थ्रो लाइट ऑन द टाइप्स ऑफ ऑन द पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा एंड जाइलम एंड फ्लोएम इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स।